हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले सिंप्लीफिकेशन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक के एग्जाम्स के अंदर, जो इसका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, जैसे मिनिमम 10 मार्क्स के लिए तो पूछ जाता ही है, मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स के लिए पूछ जाता है। ठीक है, सिंपली अप्रॉक्स दोनों एक तरह से, ये बस अप्रॉक्स के अंदर हमें जो एग्जैक्ट आंसर की गरज नहीं होती है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमें जो एग्जैक्ट आंसर निकालना होता है। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को जो बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, तो प्रॉपरली ध्यान दीजिए मैं कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, 71% ऑफ 700 प्लस 63% ऑफ 300 माइनस 57% ऑफ 400। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डरिए मत, जितना बड़ा दिखता है उतना इजी रहता है। बस आप लोग जो डर जाते हो बड़े क्वेश्चन देख के, डरिए मत। 71% ऑफ 700 डिवाइड बाय 100 रहेगा क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू दिया है, प्लस 63 × 300 परसेंटेज का वैल्यू दिया है, 100 से डिवाइड करोगे, माइनस 57 × 400 परसेंटेज से वैल्यू देते, इसलिए 100 से यहाँ भी डिवाइड करोगे, 20 यहाँ भी कटोगे, 20 यहाँ भी कटोगे। 77 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 7 = 7 and 7 × 7 = 49, तो 497 प्लस 63 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 × 3 = 9 and 6 × 3 = 18, तो 189 माइनस 57 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 7 × 4 = 28, 2 कैरी हो जाएगा, 5 × 4 = 20 प्लस 2 = 28 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दिया है। 7 + 9 = 61 के दिए हो जाएगा, 8 + 9 = 70 + 1 = 18 आ जाएगा, 4 + 1 = 5 + 1 = 6 माइनस 228 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 16 - 8 = 8 ऐसे जाएगा, 7 - 2 = 5 आ जाएगा और 6 - 2 = 4 आ जाएगा, तो 458। तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर जो मिला वो क्या मिला हमें, 458। ठीक है, तो हमें जो फोर्थ क्वेश्चन आंसर, जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर जो मिला वो मिला 458। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 16 × 4/5 परसेंट बोला है, तो ऑफ होगा 3500 है कि नहीं, तो डिवाइड बाय 100 भी रहेगा, 20 कट हो गए, डिवाइड बाय क्या बोला है, 784 किसका स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर है, 784 जो है 28 का स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही बोला है। अभी पहले क्या करिए, 16 × 5 से मल्टीप्लाई करिए, 80 आएगा, 80 + 4 = 84 आ जाएगा, 84 को 35 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए 28 से, है कि नहीं, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे 84 मिलता है, 28 को मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 84 मिलता है कि नहीं, 8 × 3 = 24, 2 कैरी हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 8 = 84, तो 28 × 3 = 41। देखिए, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को लेक्चर में बता चुका हूँ कि टेबल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को 28 का टेबल आता होगा तो आप लोग ऑन द स्पॉट बता सकते हो कि 28 × 3 = 84 आता है। ठीक है, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 105 आएगा, 35 × 3 = देखिए 3 × 5 = 15, 1 कैरी हो जाएगा, 3 × 3 = 9 + 1 = 105, तो हमें जो क्या आंसर मिला, 105। तो हमें जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो मिला है वो मिला हमें 105। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस बेसिक आना चाहिए हमें। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ, 19 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 × 9 = 54, 5 कैरी हो जाएगा, 616 + 5 = 114 मिलेगा, प्लस 19 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 × 9 = 81, 8 कैरी हो जाएगा, 9 × 9 + 8 = 70, तो 171 प्लस क्या बोला है, 37 का स्क्वायर, तो वह 37 का स्क्वायर क्या है, 1369 प्लस 10 का स्क्वायर 100 आया। सब हमें क्या किया, मैंने 19 को 6 से मल्टीप्लाई किया 114 आया, प्लस 19 को 9 से मल्टीप्लाई किया 1741 आया, प्लस 37 का स्क्वायर पूछा है तो 1369 आएगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100 आएगा। ठीक है, एडिशन कर लीजिए, 4 + 1 = 5 आ जाएगा, 7 + 1 = 8 + 1 = 2, तो 285 प्लस 1369 प्लस 100, तो 1469 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 9 + 5 = 14, 1 कैरी हो जाएगा, 6 + 8 = 14 + 1 = 15 आ जाएगा, 4 + 2 = 6 + 1 = 7 आ जाएगा, और 1 का जो है एज इट इज 1 रह जाएगा, तो 1754। तो इसी तरह हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आंसर आया वो आया 1754, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आंसर क्या आया, 1754। देखिए 36 37 46 45 56 57 ऐसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे ही पूछा जाता है, जैसे आप पूछ ले 38 का स्क्वायर क्या है, 48 का स्क्वायर क्या है, 58 का स्क्वायर क्या है, ये सब आप लोग को आने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 67 बाय 3
परसेंटेज ऑफ कितना है 2100 है क्या, 2100 डिवाइड बाय 100 रहेगा क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू दिया है क्या, हाँ प्लस 32 इंटू कितना है 300 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू माइनस 207 है। अपोजिट में क्या होगा, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर यह मल्टीप्लाई रहेगा तो अपोजिट में क्या होगा डिवाइड होगा, यहाँ अगर डिवाइड रहा तो अपोजिट में मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो अपोजिट में क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो जब भी ये पूरा सॉल्व हो जाएगा फिर 207 को हमें इनमें ऐड करना है, ठीक है। 3 से कट कर सकते हैं, 37 से 21, 67 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 77 से 49, 4 कैरी हो जाएगा, 67 से 42 प्लस 4 46, तो 469 आएगा, प्लस 32 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, 32 से 6 एंड 33 से 9 दोनों का एडिशन करिए, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी हो जाएगा, 6 प्लस 9 15 प्लस 1 16 एंड 4 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 565 प्लस 207 प्लस क्या है 207, 5 प्लस 7 12 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, तो 772 हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अब वो आया है 772। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन काफी इजी है, 1740 प्लस 2 2740 प्लस 3375 ओरली करिए, 0 प्लस 0 है क्या, नहीं देखिए 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, 7 प्लस 7 14, 1 कैरी हो जाएगा, 2 प्लस 3 3 प्लस 1 4 4 4 8 0 प्लस 3 3 7 5 0, ठीक है। 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 8 13, 1 कैरी हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, नहीं सॉरी 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, तो 7 8 3 0, तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर वो मिला हमें 7 8 3 0। क्या किया मैंने, पहले इन दोनों का एडिशन किया, 1740 टू 2743 मुझे टोटल करके मिला, मुझे क्या मिला 4480 आया, 4480 प्लस 3350 दोनों का एडिशन किया मुझे 7380 आया। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, 10 इंटू 30 बाय 3, 10 इंटू 30 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6 इंटू 6 यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही बोला है 30 को 3 से डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10 यानी कितना 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 100 इंटू 9 यानी 900 आ जाएगा, 900 प्लस 36 यानी 936, 936 प्लस 100 करोगे तो कितना मिलेगा मुझे 1036। काफी इजी क्वेश्चन है, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतना फास्ट आप लोग का एग्जाम में बेनिफिट होगा, जितना स्लो करोगे उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। 35 में से अगर आप लोग 27 28 30 क्वेश्चन अगर एक्यूरेट के साथ आप सही करो क्वेश्चन करके आओगे ना तो मेरा यकीनन आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर 35 में से 20 22 क्वेश्चन कर रहे हो तो मुश्किल आप लोग का सिलेक्शन होना, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर काफी इजी रहता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि काफी टफ आएगा, ठीक है। लेंथी हो सकता है, सॉल्विंग हो सकता है पर हार्ड नहीं हो सकता, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्विंग होते हैं, अगर आप लोग को एक घंटे के जगह दो घंटे दे दूं मैं पेपर सॉल्व करने के लिए तो आप लोग ऑब्वियसली बातें कर लोगे। बात यही रहती है कि प्रीलिम्स में हम लोग क्या चेक करते हैं, स्पीड एक्यूरेसी चेक करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन सिक्स हो चुका है, सेवन क्वेश्चन देखते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस 60% ऑफ 900 यानी दो जीरो कट हो जाएगी। ओरली कर लीजिए, 69 से 54, 54 ऑफ वो जीरो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये दिया है। एडिशन करिए, 121 प्लस 81, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 8 प्लस 2 10, 1 प्लस 1 2 202 प्लस 169 प्लस 5 420, 9 प्लस 0 9, 4 प्लस 6 10 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 709, तो 9 प्लस 2 11, 1 कैरी हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 प्लस 2 9, तो 911 जो आएगा हमारा जो आएगा 7th क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमें 911, ठीक है। 7th क्वेश्चन का जो आंसर मिला वो क्या मिला हमें 911। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 11 का क्यूब कितना है 1331 प्लस 13 का जो है क्यूब कितना है, देखिए 20-30 तक तो क्यूब रूट लर्न होनी ही चाहिए, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 30 तक क्यूब रूट लर्न होनी चाहिए, अगर आप लोगों को 40-50 तक लर्न हो तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों को 10 तक भी लर्न नहीं हो तो फिर ये तो बुरी बात है और आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा।
मैं जो आपको हर दिन बताता हूँ क्यूब रूट स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ ताकि आप लोग, मुझे पता है कि एग्जाम के अंदर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं आप लोग को ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे क्यूब रूट स्क्वायर रूट का, ठीक है, कोई ना कोई कोरिलेटेड होगा इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉपरली ध्यान दीजिए, देखिए मैं जो क्वेश्चन जानबूझ के स्क्वायर रूट क्यूब रूट का एक आंधा क्वेश्चन जानबूझ के डालता हूँ, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन एक आंधा पूछा जा सकता है और एग्जामिनर को पता है कि बच्चे लर्न नहीं करते ज़्यादा स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, ठीक है, तो इसलिए आप लोग लर्न करके रखिए ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। ओके सर, 13 का क्यूब कितना है, 11 का जो क्यूब है 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब कितना 2197, ये सब लर्न होनी चाहिए आप लोगों को। तो 13 का क्यूब कितना है 2197 प्लस 10% ऑफ 9500, 20 को टोगे 9500 10 950 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 7 + 1 = 8 आ जाएगा, 9 + 3 = 12 + 1 carry हो जाएगा, 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 2 + 1 = 3 3 5 2 8 प्लस 950 + 81 तो 0 + 1 1 एज इट इज 5 + 8 = 13 वन कैरी हो जाएगा, 9 का 10 हो जाएगा तो 1031, तो 8 + 1 9 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 5 + 0 5 एंड 1 + 3 4 तो 4 5 5 9 तो 4 5 5 9 तो हमारा जो आखिरी क्वेश्चन का आंसर वो क्या मिला 4 5 5 9 सही क्वेश्चन है ना। तो इसी तरह हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखिए इससे पहले भी लेक्चर मैंने आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन की सीरीज कराता था, मैं आपको क्वेश्चंस क्यों बढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम के अंदर कोई भी डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। देखिए मैं 8-10 क्वेश्चन ले रहा हूँ ना तो आप लोग घर पर जाकर एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन करिए तभी आप लोग को समझ में आएगा, अदरवाइज आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तभी मुझे ऐसा लगता है मेरे को, मैंने जो भी क्वेश्चन करा आप लोग को समझ में आया ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तब भी कुछ भी डाउट हो क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए, मुझे नहीं समझा मैं आपको और एक बार अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।